तो ये एक स्क्वायर है, क्यू क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, और ये प्लस क्यू। तो मैंने काफ़ी लोगों ने, मैं देख रहा था, कॉम्पोनेंट के साथ ड्रॉ किया, कॉस थीटा साइन थीटा, मैंने कुछ इस तरीके से किया। प्लस क्यू, इस कैपिटल प्लस क्यू को क्या करेगा? रिपेल। तो इसका वेक्टर F1 रिपल्शन ये रहा। ये सबको समझ में आ रहा है कि सारे वेक्टर कैपिटल प्लस क्यू पे बनने वाले हैं, क्योंकि नेट फोर्स कैपिटल प्लस क्यू पे निकलेगी। सिमिलरली ये माइनस प्लस क्यू को क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो इसका वेक्टर भी कहाँ बनेगा? इस तरफ। तो ये प्लस क्यू का वेक्टर रिपल्सिव, माइनस क्यू का अट्रैक्टिव। सिमिलरली ये प्लस क्यू इस कैपिटल प्लस को क्या करेगा? रिपेल। और ये माइनस क्या करेगा? अट्रैक्ट। ये चार वेक्टर समझ में आ रहे हैं, ठीक है यहां तक? क्योंकि एक रिपल्शन का, एक अट्रैक्शन का, एक रिपल्शन का, एक अट्रैक्शन का, ठीक है यहां तक? फोर्स की वैल्यू निकालते हैं। आप एक काम करो, ये एक स्क्वायर का डायगनल है, स्क्वायर का डायगनल होता है √2a, ये आधा डायगनल है, तो आधा डायगनल जो होता है वो होता है a/√2, a/√2। तो फोर्स की वैल्यू 1/4πε₀ क्यू, छोटा क्यू बड़ा क्यू, डिवाइडेड बाय a/√2 का होल स्क्वायर। ये स्टेप समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? और मैंने कहा था कि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड में काम करेंगे, तो चाहे आप फोर्स ये पूछ लो, चाहे आप फोर्स ये पूछ लो, 1/4πε₀ मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस क्यू इज अगेन क्यू इंटू क्यू बाई a/√2 का स्क्वायर। इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि यहाँ पर माइनस साइन ना ही लगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सारा काम वेक्टर ही करा जा रहा है, माइनस साइन से कन्फ्यूजन हो जाएगी नहीं तो। तो सारे फोर्सेज एक जैसी आंसर देंगे, क्योंकि ये और ये बाई सिमेट्री सेम ही आंसर है, तो सारी फोर्सेज एग्जैक्टली सेम आंसर दे रही हैं। लेट सपोज कितना? एफ, ठीक। ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये टोटल वेक्टर क्या बनेगा? F1 + F3, और ये टोटल वेक्टर क्या बनेगा? F2 + F4। मैंने अलग से डायग्राम बना दिया, एट एन एंगल ऑफ कितना? 90। तो नेट फोर्स जो होगी, क्योंकि एंगल, क्योंकि इनको ऐड किया जा सकता है एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, इनको ऐड कर सकते हैं एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, तो नेट वेक्टर क्या बनेगा? √ का इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का √, ये रहा। और क्योंकि F1, F2, F3, F4 का मैग्नीट्यूड तो F ही है, तो मैंने हर जगह क्या पुट कर लिया? F, F, F और F। तो ये क्या बना? 2F। ये क्या बना? 2F। तो 2F² 2F² 2 × 2F का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये कैलकुलेशन से ये आएगा, 2√2 बाहर आ गया। और F की वैल्यू तो मैंने ऊपर निकाल के दिखाई हुई है, 1/4πε₀, छोटा क्यू बड़ा क्यू बाई ए बाई रूट टू का होल स्क्वायर। तो मेरे को ये मेथड ज़्यादा आसान लगा और फाइनल आंसर एक गो में आ गया। और डायरेक्शन के लिए करना है तो नेमिंग कर दो, जैसे ओके या नेगेटिव वाई एक्सिस कुछ भी लिख दो। मैंने ओके का नाम दिया इस पैलोग्राम में, और मैंने लिखा डायरेक्शन अलोंग ओके। क्या ये मेथड क्लियर है? हालांकि और भी मेथड है, कई लोगों ने कॉम्पोनेंट्स लेके किया, वो भी सही है। तो F cos θ, F sin θ ऐसे किया, पर मुझे ये ज़्यादा आसान लगता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है? तो सुपर पोजिशन कुछ नहीं है, सिर्फ वेक्टर का ही खेल है। उसी तरीके से सपोज क्वेश्चन है, टू फिक्स्ड चार्जेस, पॉइंट चार्जेस, प्लस 4e एंड e, दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ a। तो ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, 4e और e सेपरेटेड बाय a। नेक्स्ट है, वेयर शुड थर्ड पॉइंट चार्ज? थर्ड पॉइंट चार्ज की वैल्यू नहीं दी, अपने मन से कुछ भी एज्यूम कर लो, क्यू क्यू वन जो मर्जी करो। तीसरा पॉइंट चार्ज कहाँ रखूं सो दैट इट शुड बी इन इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन ये होती है, नेट फोर्स एक्टिंग शुड बी इक्वल टू 0। नेट फोर्स अगर किसी चार्ज पार्टिकल पे 0 है तो समझो वो इक्विलिब्रियम में है। तो एक काम करते हैं, मैंने अपने मन से एज्यूम कर लिया कि मैंने इस पॉइंट चार्ज प्लस क्यू को कहां रख लिया? एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स। तो ये -x, तो मुझे एक्स इसमें निकालना है। तो मुझे क्या करना है? प्लस क्यू शुड बी इन इक्विलिब्रियम, उसने बोला ताकि ये चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे, और इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स इज 0, और नेट फोर्स तो बाद में निकलेगी, पहले इंडिविजुअल फोर्सेस निकलेंगी। प्लस क्यू को किसने किसने फोर्स लगानी है? 4e ने और e ने।
फोर ई ने इस प्लस ने इस प्लस को रिपेल करना है, तो वेक्टर राइट बनेगा कितना, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4e इनटू q डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, और ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा इस तरफ, तो इसका वेक्टर कहां बनेगा प्लस e की रिपल्शन का इस तरफ कितना, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इनटू e बाय a माइनस x का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? तो